सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी टाइम है सुबह का और 3-4 दिन बाद आज मौसम जो है वो अभी अच्छा हुआ है और जो धूप है वो आज निकली है। खिला खिला मौसम है, आज देख सकते हो आप। 3-4 दिन से यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपको क्या बताऊँ यार। आज जैकेट डाल ली है मैंने और आज ही साली धूप निकल गई है। आज ही धूप निकल गई भाई, जैकेट भी आज ही डाली है। मैंने सोचा यार 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यार। इवन ड्यूटी में भी शाम को बहुत ठंड लग रही थी। और अभी एक इनर भी ख़रीदनी है और बाहर की जैकेट भी ख़रीदनी है ब्लैक, क्योंकि यार आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, ठंड ज़्यादा हो गई है अभी। तो भाई आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे मौसम के बारे में। और दूसरा, जो आईडी नहीं आ रही है भाई, बहुत सारे लोगों की अभी आईडी नहीं आ रही है, जो रिन्यूअल वाले हैं, जिनका जो वीज़ा है रिन्यू हो रहा है, उन लोगों की आईडी नहीं आ रही है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो भाई आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी जो कमेंट की वीडियो है वो भी जल्दी ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं टूर पर गया हुआ था, ट्रैवल पर गया था, तो जिस वजह से जो मेरा शेड्यूल है वो पूरा उलट फुलट हो गया है। तो अभी रूटीन में फिर मैं दोबारा बन रहा हूँ। अभी हर वीक जो है वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी मेरी क्वेश्चन आंसर पे। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई मौसम बहुत अच्छा आज हो रहा है, 4-5 दिन से बहुत ही गंदा था जैसे मैंने आपको बताया। अभी देखो पूरा खिलखिला है और धूप भी है, निकली हुई है, पर फिर भी मैंने जैकेट डाल ली है। अभी ड्यूटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है, 40 से 45 घंटा 50 घंटा, इससे ऊपर नहीं अभी ड्यूटी जा रही है। और वीकली जो है अभी 2.5 से 3 छुट्टी मिलनी स्टार्ट हो गई है। इवन जो मेरे फेलोज़ हैं उनको भी 2-2 छुट्टी मिल रही है, और कईयों को तो अभी 3-3 भी मिल रही है बीच बीच में। तो भाई अभी हालात जो है अभी काफ़ी ख़राब बोल सकते हैं आप। अभी कुछ महीने के लिए फरवरी मार्च तक जो है अभी थोड़ा सा डाउन रहेगा बिजनेस, जिस वजह से आपको जो है वो हावर नहीं मिल पाएंगे। थोड़े जो बेसिक है, बेसिक सैलरी से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे ओवरटाइम वगैरह लग जाता था, आप पार्ट टाइम काम करते थे तो अच्छा खासा बन जाता था, बट अभी थोड़ा सा आपको पार्ट टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जो है पार्ट टाइम के लिए भी पूछ रहे थे मेरे को जो स्टूडेंट आए हैं। हाँ यार, मैं अभी ये बात बताना भूल गया, अभी भाई 5-6 स्टूडेंट आए हैं और 2 अभी आ रहे हैं, तो रूम के लिए पूछ रहे थे। भाई अगर माल्टा से कोई वीडियो देख रहा है और उसके पास अगर रूम का है तो भाई ज़रूर मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना या फिर कमेंट में ही बता देना अगर रूम है तो, ठीक है। क्योंकि अभी स्टूडेंट आ रहे हैं जनवरी इनटेक के, तो भाई उनको रूम चाहिए। बाकी वैसे मेरे पास है टेम्परेरी, अगर कहीं और ऑप्शन नहीं होगा तो ये वाला तो खैर ऑप्शन है ही है, बट अगर फिर भी अगर आप लोगों के पास कहीं रूम होते हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे बता दिया करो यार, किसी की हेल्प हो जाएगी रूम से। बहुत सारे रूम के लिए भटकते हैं इस टाइम पे। बाकी रही अभी ड्यूटी की तो मैं आपको बता ही रहा कि अभी बहुत ख़राब हालत है। पार्ट टाइम वगैरह तो खैर भूल जाओ आप, पार्ट टाइम वगैरह नहीं मिल रही है। बाकी परमानेंट वालों के लिए तो खैर चल रही है अपना, उनका जो भी बेसिक हावर है वो तो मिल रही है उनको, बेसिक सैलरी तो मिलेगी, उससे तो खैर नीचे नहीं आएगी, ठीक है। बाकी काम के हवाले से बात करूँ तो भाई बहुत डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी 3-4 दिन से तो ऐसा था कि इतनी बारिश, तूफान, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था माल्टा में। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाली होगी, आपने देखी होगी, मैं थोड़ा लेट डालता हूँ क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा इधर उधर जाता है और मैं काफ़ी कामों में बिज़ी रहता हूँ। घर में भी बात करनी होती है और सोशल मीडिया भी चलाना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं यार, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लग पाता कि हैंड टू हैंड अपलोड कर दूं। तो भाई और क्या था इसमें, ये कि आईडी के बारे में, भाई आईडी जो है वो लेट हो रही है कई लोगों की। अभी मेरे साथ के 2 लड़कों ने अप्लाई किया था एक साथ, ठीक है, वीज़ा रिन्यू था उनका, तो दोनों ने एक साथ फ़ाइल लगाई लॉयर से, तो एक साथ सबमिशन हुआ, ब्लू पेपर दोनों का एक साथ आया, सब चीज़ मतलब एक साथ आया, तो एक का कार्ड आ गया है 10 दिन में और दूसरे का भी कार्ड जो है वो नहीं आया है, और उसका स्टेटस जो अभी दिखा रहा है वो थर्ड पार्टी दिखा रहा है।
तो भाई अगर आपका भी कार्ड नहीं आया है तो आप ऑनलाइन गूगल पे जा करके आपको जो लिंक सेंड किया होगा ना, जब आपने सबमिशन करी होगी, आपका अप्रूवल लेटर आया होगा, तो उसमें एक लिंक होता है, ठीक है। तो आप उस लिंक पे जा करके अपनी प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो। उसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन आपका पासपोर्ट नंबर होता है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो होती है। तो आप वो डाल करके सीधा आप उसको लॉगिन करें और वहाँ पर जा करके आप सबसे ऊपर ऊपर आपको दिख जाएगा स्टेटस। तो स्टेटस में आप देख लेना कि आपका स्टेटस क्या है, वहाँ पे थर्ड पार्टी है, प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी, या फिर कुछ और स्टेटस आ रहा है, तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपका कलेक्शन लेटर आया या फिर नहीं आया। क्योंकि वहाँ पे अपडेट हो जाता है, अगर आपका कलेक्शन लेटर उन्होंने सेंड कर दिया है तो वहाँ पे आ जाएगा कलेक्शन लेटर सेंडेड ऑन योर एड्रेस, ऑन योर रजिस्टर्ड एड्रेस। तो भाई ऐसे करके उसमें कुछ रहता है, तो वो आप स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। जिन भी भाइयों की आईडी है वो नहीं आई है उनके लिए स्पेशल, बाकी जिनकी आईडी आ रही है जल्दी उनके लिए तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप जैसे न्यू कमर्स के लिए है, जैसे न्यू आईडी बनाते हैं, कोई पहली बार माल्टा में आया है और पहली आईडी है उनकी, तो भाई आप अपने एम्प्लॉयर को ज़रूर बोलें कि आप लोगों को वो जॉब प्लस पे रजिस्टर करें, ठीक है। ये बहुत ही मस्ट है आपको, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगा, अभी आपको काम नहीं आएगा, अभी आपको इसकी जानकारी नहीं है, बट ये मैं आपको पहले से ही एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप जॉब प्लस पे ज़रूर रजिस्टर होएं, ठीक है। जब तक आप जॉब प्लस पे रजिस्टर नहीं होते आपकी सैलरी स्लिप वो लोग नहीं देते हैं, ठीक है, एक ये भी रीज़न है। और दूसरा, अगर आप जॉब प्लस पे रजिस्टर है और आप टर्मिनेशन लेना चाहते हैं तो आप खुद के बिहाव पे, आपको एम्प्लॉयर की नीड नहीं है, एम्प्लॉयर आपको अगर टर्मिनेशन नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हो उस केस में, पर वही है कि आप जॉब प्लस पे रजिस्टर होने चाहिए भाई। जॉब प्लस पे रजिस्टर नहीं है तो आप टर्मिनेशन नहीं ले सकते। जब आप नई जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको टर्मिनेशन पेपर चाहिए होता है, तो टर्मिनेशन पेपर वो तभी मिलेगा जब आप जॉब प्लस पे रजिस्टर होंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर, आपका ओनर नहीं देता है आपको टर्मिनेशन पेपर, तो भाई आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हो अपनी स्टोरी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने आप पहले भी वैसे वीडियो बनाई है कि अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं देता है आपको टर्मिनेशन तो कैसे लेनी है, तो आप मेरे को बता सकते हो डायरेक्टली, यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मेरा टाइम लगता है मैं भाई आप सभी के जो है वो आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आप डायरेक्ट खुद भी जा करके टर्मिनेशन ले सकते हैं जॉब प्लस से ही, ठीक है, अगर आप जॉब प्लस पे रजिस्टर है तो। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा पूरी उसमें डिटेल में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी आज के लिए। तो गाइज़ ठीक है, जो भी भाई नया आ रहा है तो भाई कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो बता दिया करो, ठीक है। रूम से रिलेटेड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है तो भाई ज़रूर बताया करो, क्योंकि आप लोग नए हो और कुछ पता नहीं रहता है। लाइक मी, मैं पहली बार आया था यहाँ पे तो भाई हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था, इवन यूट्यूबर्स किसी ने भी हेल्प नहीं करी थी मेरी। तो मैं तो कोशिश करूँगा भाई, जो भी जिसको भी हेल्प चाहिए होती है, इंडिया में भी बहुत पूछते हैं, हेल्प करते हैं, तो भाई हाय हेलो का मैसेज मत किया करो, डायरेक्ट आप अपना मैटर लिख दिया करो, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दिया करूँगा, बस ये है। पर आप यार अगर मैं आपको एक बार दो बार आंसर देता हूँ तो प्लीज़ यार आप ज़्यादा मत क्वेश्चन किया करो यार आप, क्योंकि दूसरों को भी थोड़ा रिप्लाई करना होता है, उनको भी यार चांस मिलना चाहिए कि जिसके भी क्वेश्चन के आ रहे हैं मेरे को तो उनके मैं आंसर उनको दूं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपने क्वेश्चन जल्दी निपटा लिया करो, ठीक है। या तो आप एक ही बार में पूरा पूछ लिया करो जैसे भी जो भी आपको पूछना है, क्योंकि आप स्टार्ट करते हैं हाई एलो से, हाई एलो से मत किया करो, क्योंकि भाई हाई एलो का इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर कमेंट जरूर ठोके भाई, बहुत ज़्यादा व्यूज़ कम है मेरी वीडियोज़ में एकदम परफेक्टली बनाता हूँ और मुद्दे भी की बनाता हूँ यार, तो भाई व्यूज़ बढ़ाया करो यार, क्योंकि आप लोग ही मेरे को सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।